नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद केंद्र का कह सकते हैं कि टूर आपको करने को मिलेगा। विवेकानंद केंद्र दोस्तों एक ऐसी कह सकते हैं संस्था है जो कि आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल या फिर जिसे आप विवेकानंद क्या कह सकते हैं स्मारक कहते हैं, उसका संचालन इसी केंद्र के द्वारा किया जाता है। विवेकानंद केंद्र आप जब कन्याकुमारी आए तो यह जगह आपके लिए घूमने के साथ साथ आपके रहने के लिए और खाने के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जगह हो सकता है। और विवेकानंद केंद्र से कन्याकुमारी में आपको जो कन्याकुमारी मंदिर है या फिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, सनराइज़ पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, या फिर और भी जितने घूमने की जो जगह हैं वो जगह जाने के लिए 500 मीटर का आपको, या 800 मीटर कह लीजिए, 800 मीटर, 500 से 800 मीटर का आपको वॉकेबल डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप इतनी दूरी पर रहकर पैदल चल सकते हैं या फिर पैदल नहीं भी चलना है तो ऑटो की सुविधा उपलब्ध है। कन्याकुमारी एक ऐसा जगह लगा दोस्तों जहाँ पे ऑनलाइन आपको कोई भी कह सकते हैं रैपिडो, ओला, इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना होगा। विवेकानंद केंद्र के अंदर ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया गया है, और ये मंदिर के आप कहीं ना कहीं हनुमान जी का ये मंदिर है, तो इस मंदिर को भी आप विजिट कर सकते हैं। और महादेव की प्रतिमा बाहर है और काफ़ी अच्छा एक एटमॉस्फेयर आपको, काफ़ी अच्छा एक इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो है दोस्तों ये विवेकानंद केंद्र के द्वारा एक मॉडल है जो कि नेचुरल जितने भी रिसोर्स हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए VKNARDP नारडेप करके चलाई जाती है। इसके तहत आपको कह सकते हैं बायो एनर्जी, साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके साथ ही साथ एक इस तरह का घर जो कि कह सकते हैं कि देसी जुगाड़ टाइप हो, आपको कई कई तरह के अन्य जितने भी, जैसे ये देख सकते हैं आप, और खाद के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, मैन्योर के लिए, उसके लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग आदि दी जाती है। और साथ ही साथ एक मॉडल भी इन्होंने पूरा डेवलप करके रखा है, ये VKNARDP आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे। और ये एक छोटा सा विवेकानंद पिक्टोरियल एग्जीबिशन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका एक टिकट वैल्यू भी है और टिकट वैल्यू शायद 10 रुपये का है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये पूरा यहाँ पे आपको विवेकानंद जी से रिलेटेड उनके द्वारा जो काम किए गए हैं वो और तमाम तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मतलब जानकारी के लिहाज से जानने को मिलेगा। दोस्तों ये पूरा अभी मैंने आपको कन्याकुमारी का विजिट कराया है, अभी आगे और भी विजिट आपको मैं कराता रहूँगा। साथ ही साथ जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपको मोटो ब्लॉगिंग भी शुरू करेंगे जिससे कि आपको कई तरह की चीज़ें देखने को मिले, है ना। ये देख सकते हैं आप सारा कुछ यहाँ पे, काफ़ी एक अच्छा कह सकते हैं कि माहौल है और ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से कन्याकुमारी का पूरा, मतलब कन्याकुमारी आपको विजिट करना है या घूमना है तो आराम से आप यहाँ रह के आप विजिट कर सकते हैं। वन डे जर्नी की मैंने एक वीडियो से पहले बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था, उसके तहत आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और 2-3 दिन रहने का प्लान है तो भी आप रह सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।